हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ की बेसिक जानकारी, आखिर लॉ किन किन फील्ड में किया जा सकता है, कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। भाई अलग अलग कोर्सेज हैं, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, 5 ईयर प्लान्स, कुछ एक कोर्स 6 ईयर का भी है, बीटेक अगर आप LLB करना चाहते हैं तो। इसके अलावा LLB सिंपल हो सकता है, 3 ईयर कोर्स, इसके बाद फिर अगर मास्टर्स आप करना चाहते हैं LLM हो जाएगा, उसके बाद फिर आप PhD भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी LLB की जानकारी जो है हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, चूंकि आपको इसमें हम पूरी जानकारी डिटेल में देने वाले हैं, तो इसको पूरा देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना है। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किस लिए हैं, और दोस्तों के साथ लॉ करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। लड़ाई झगड़ा तो उनके साथ होता ही है, जब डिबेट्स भी उनके साथ करोगे आप साथ में, तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसको हम, बैचलर ऑफ लॉ जो हम बोलते हैं LLB को। एक्चुअली इसका नाम होता है क्या, लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज, है ना। बेसिक नाम इसका ग्रीक लैंग्वेज जो है LLB उससे निकल के आया है। इसको लेगम बिकालेरियस बोलते हैं, बहुत ही ट्रिपिकल नाम है तो नहीं, इसके याद नहीं रखना है। हाँ, कभी कभार पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, बहुत है आपके लिए। यहाँ LLB का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जी हाँ, लैटिन हमने नाम देख ही लिया था। इसके अलावा LLB की ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, ये 3 ईयर सिंपल LLB की बात है। इसके लिए क्या करना होता है, ग्रेजुएशन होना मस्ट है, एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद LLB कर सकते हैं आप। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की हमने देख ही ली है, LLB की क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ एडमिशन की प्रक्रिया की बात करें तो मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। कैसे अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस में आजकल CUET चल रहा है, तो CUET के बेसिस पे भी आपको लॉ में एडमिशन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लॉ के लिए, जैसे नाम आपने सुना होगा क्लैट का, क्लैट, हाँ, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ILET, ऑल इंडिया, हाँ, लॉ एग्जामिनेशन टेस्ट, जो दिल्ली कराती है भाई, कोई समस्या है नहीं। इसके अलावा हो जाते हैं बहुत सारे स्टेट वाइज एग्जाम्स लॉ के, जैसे तमिलनाडु स्टेट भी कराती है, केरला भी कराती है, आंध्रा भी कराती है, महाराष्ट्र कराती है, इसके अलावा तेलंगाना स्टेट कराती है। तो लॉ के लिए इनके CETs चलते हैं अलग अलग, है ना। और वो सारे के सारे स्पेसिफिक एक एक लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स पे हमने वीडियो बना के रखा है, एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्ड जानकारी उनमें मिली हुई है। सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे LLB के लिए, तो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं किससे, लॉ से रिलेटेड। यहाँ पे जैसे क्रिमिनल लॉ की बात करी जाएगी, बिल्कुल, फैमिली लॉ हो जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ हो जाएंगे आपके, साइबर लॉ जो आजकल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चल रहे हैं, IP लॉ होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, कॉरपोरेट लॉ वगैरह, ये सारी की सारे कोर लॉ है जो आपको बेस बनाएंगे लॉ का। इसके अलावा LLB के लिए इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो बहुत सारी, देखो यार हर जगह जब आप ये लॉज देख रहे हैं तो लॉ तो बेसिक स्ट्रक्चर है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी में आते हैं। भाई घर के लिए अलग लॉ होंगे, फैमिली के लिए अलग लॉ होंगे, कॉरपोरेट सेक्टर के अलग लॉ होंगे, तो उन सब में एक लॉ के लिए एडवाइजर हो या फिर उनका प्रतिनिधित्व करने वाला भी, क्यों इन सब की जरूरत पड़ती। तो इंडस्ट्रीज की बात करें यहाँ पे, LLB होल्डर्स आर ओपन टू एक्सप्लोरिंग वेरियस इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी, लॉ फर्म आप लगा सकते हैं, MNCs में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हो गई या फिर जुडिशियल बॉडीज हो गई, इन सब में लॉ के प्रोफेशनल व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है, बिल्कुल। LLB में जॉब्स का है आपके लिए, तो बहुत सारी जॉब्स हैं, वही सारी जॉब हो गई हैं, लॉयर बन सकते हो आप, बेसिक टर्म में एडवोकेट बन सकते हैं, पैरालीगल, लॉ ऑफिसर, लॉ एसोसिएट, कॉर्पोरेट लॉयर, ये सारी की सारी पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट है, प्राइवेट में तो अलग ही मतलब मचा सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। LLB की सैलरी क्या हो सकती है, तो सैलरी की कोई बाउंडेशन है नहीं, सच्चाई है, लेकिन बेसिक सैलरी हमें एक बतानी होती है, तो यहाँ पे 4 से 6 LPA का एक ऑन एन एवरेज पैकेज जो है हर कॉलेज में आपको LLB से रिलेटेड मिल जाता है। तो ये LLB की बात रही, कौन कौन से कोर्सेस LLB में आप कर सकते हैं, तो देखो भैया BCom वाले बच्चे, अब यार बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि केवल लॉ साइड में जाने के लिए हमें BA करना होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अगर कॉमर्स फील्ड से हैं, 12th कॉमर्स से करी हुई है, तो बिल्कुल BCom के साथ साथ LLB आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेट लॉ हो गए, है ना, हो गए कि नहीं हो गए भाई, लॉ तो हर जगह है, तो बिल्कुल BCom LLB आप कर सकते हो। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 ईयर का ही है, 5 साल का होता है, जी हाँ, और यहाँ पे अलग अलग कॉमर्स के साथ साथ लॉ सब्जेक्ट से भी डील किया जाता है, दोनों है ना मिक्स यहाँ पे, और यहाँ पे अपना करियर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से बना सकते हैं, बिल्कुल कॉमर्स में फाइनेंस की ही बात चलती है, तो फाइनेंशियली आप लॉ
को कम्पीट कर सकते हैं वहाँ पे बी कॉम के साथ साथ। ठीक है भैया, इसका फुल फॉर्म पता ही है, बी कॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है और LLB आपका, हाँ, लेजिस्लेटिव ब्लॉक से डिग्री हो जाएगी बैचलर्स की, तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। बी कॉम की ड्यूरेशन 5 ईयर है, बी कॉम LLB वाली, ठीक है। और यहाँ पे फी की बात करें तो कॉलेज वाइज ये वेरी करती है। देखो सच्चाई यही है, हर कॉलेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है तो गवर्नमेंट बॉडी में भी अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं लॉ से रिलेटेड, वो अच्छी खासी फीस लेते हैं। सो फी यहाँ वेरी करती है 3.5 लाख से 18 लाख रुपए तक। ये पूरा आपका कोर्स है, उसकी फी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ सैलरी की बात करें तो सैलरी हमने बात करी ली थी कि ऑन एन एवरेज पैकेज आपको 4 to 6 का मिल जाता है, लेकिन कॉलेज टू कॉलेज ये भी वेरी करता है। आपका यहाँ पे 7 से 12 लाख का पैकेज हो सकता है अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। बीकॉम के बाद BBA LLB है, बिल्कुल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे MBA का नाम सुनोगे, मास्टर डिग्री, उससे पहले BBA करी जाती है। जी हाँ, ये अगेन सेम फील्ड ही है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, बिजनेस से स्पेसिफिक है। वो कॉमर्स स्पेसिफिक थी बीकॉम वाली, ये बिजनेस स्पेसिफिक है। और BBA LLB भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर का ये कोर्स होता है आपका, सेम टू सेम ड्यूरेशन। यहाँ पर आपको बिजनेस से रिलेटेड लॉज में आपका काम हो सकता है, बिल्कुल आपको यहाँ पे आगे करियर की भी बहुत अच्छी गुंजाइश है आपकी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, साफ साफ सीधी बात है, क्योंकि यहाँ आपको करना है तो 12th के बेसिस पे करेंगे, तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना अनिवार्य है, ठीक है, बिल्कुल। कुछ कुछ कॉलेजेस में परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रहता है, मिनिमम 50%, 60%, 65%, ये कॉलेज टू कॉलेज अगेन वेरी करता है, कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए भैया, यहाँ पे रोल्स कौन कौन से मिल सकते हैं इस फील्ड में, BBA LLB अगर आप करते हैं तो भाई यहाँ पर आप एडवोकेट बन सकते हैं, सॉलिसिटर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बड़ी पोस्ट हो जाती है अगेन, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स जो कोर्ट्स हैं उनके लिए भी आप जज बन सकते हैं, सब मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर BBA LLB में आगे गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं हम, इसमें करियर बन सकता है। प्राइवेट की तो कोई है ही नहीं लिमिट, किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, बिल्कुल लॉ से रिलेटेड। और यहाँ अगर फ़ी की बात करें तो BBA LLB इन मिनिमम फ़ी की क्राइटेरिया की बात करें 35,000 के आसपास से लेके 1.5 लाख NM की बात चल रही है यहाँ पे, साल की ये फ़ी हो सकती है आपकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। BBA LLB के बाद हमने BCOM BBA की बात कर ली, BA LLB जो सबसे ज़्यादा लोग बाग प्रेफर करते हैं, क्योंकि लॉ के लिए जाने के लिए आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सारी चीज़ें इनका ज्ञान होना चाहिए, वो हालांकि इनमें पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये स्पेसिफाइड लोग होते हैं जिनका करियर पहले से ही उन्हें समझ में आ जाता है। हो सकता है उनके परिवार वाले हों, रिलेटिव्स हों जो लॉ फील्ड से जुड़े हों, तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस अच्छा मिल जाता है। BA LLB वो करते हैं क्योंकि BA में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़नी होती है, बेस आपका मजबूत हो जाता है। BA LLB भी अगेन 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जी हाँ, और इसके लिए 45% का क्राइटेरिया मिनिमम रखा हुआ है, 12th क्लास पास होना चाहिए, 12th क्लास में 45% रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे फी की बात करें BA LLB की तो अगेन 1.5 लाख से 7 लाख, हाँ, ये ऑल ओवर फी है BA LLB की टोटल फी। अगेन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले इस फील्ड में, तो भैया एडवोकेट, पैरालीगल, प्राइवेट फॉर्म्स भी आप स्टैब्लिश कर सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, लॉ ऑफिसर बन सकते हो, तो ये गवर्नमेंट पोस्ट है। प्राइवेट अलग अलग कंपनीज के लिए लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो पंगे होते ही रहते हैं, तो उनके लिए लॉयर्स की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ भी आपका एक अच्छा स्कोप है इस लॉ की फील्ड में। BSc LLB की बात करें तो जो साइंस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th साइंस से करी हुई है, अब वो मान लीजिए लॉ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। एक अगेन BSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें BSc LLB आप साथ में 5 ईयर में कर सकते हैं, और ये सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसे BA BCOM BBA वाले कोर्सेज होते हैं, सेम टू सेम BSc यानी साइंस फील्ड के बच्चों के लिए है ये। और इसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे 12th पास तो होना चाहिए, बिल्कुल, और यहाँ 45% का अगेन ये परसेंटेज क्राइटेरिया है, ताकि समझ में तो आए कि भाई हाँ पढ़ लिखे हो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। LLB की जॉब पोजिशन की अगर बात करें BSc फील्ड की, तो भैया साइंस के लिए एडवाइज़र बन सकते हो, साइंस रिपोर्टर बन सकते हैं, एडवोकेट, नोटरी ऑफिसर, प्रोफेसर,
टीचर लॉ से रिलेटेड साइंस में। तो ये अच्छी खासी यहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोजीशंस है, गवर्नमेंट पोजीशंस की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की हमने अभी भी बात नहीं करी हुई है। प्राइवेट पोजीशंस आप किसी भी फॉर्म में जाके लॉ से रिलेटेड हाँ काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन बीएससी LLB की एवरेज सैलरी क्या हो सकती है अगर किसी को अपना करियर इसमें बनाना है, सो 6 to 8 LPA जो है ये आपका एक ऑन एन एवरेज यहाँ पे पैकेज होता है आपकी फील्ड का। अगेन LLB के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, एक कोर्स और मैं बता दूँ आपको, BTech LLB भी होता है, 6 ईयर का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, 6 सालों का होता है, ठीक है। सेम टू सेम टेक्नोलॉजी भी आप मतलब टेक्नोलॉजी से बीटेक मतलब बैचलर कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड लॉज में जा सकते हैं। बीटेक LLB 6 ईयर प्रोग्राम है, बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कराते हैं, लेकिन जिन बच्चों की या पेरेंट्स की इच्छा है कि मेरा बच्चा क्या करे भैया, इंजीनियर बन जाए, हाँ तो इंजीनियर भी बन जाएगा और लॉ भी कर लेगा अगर आपकी इच्छा है, तो ये भी एक प्रोग्राम है और लगभग सेम टू सेम फी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। और इसमें पैकेजेस की बात करें तो वही 6 to 8 का LPA आपका चलता है ऑन एन एवरेज पैकेजेस का, कॉलेज गिने चुने हैं, बस ये एक समस्या है, ठीक है। अगेन LLB के लिए सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हो जाते हैं, तो लेबर लॉ, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखिए ये हमारी पूरी इकोनॉमी को चलाने वाले लोग हैं और ये सेकेंडरी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं। एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत सारे लेबर्स लगते हैं, जैसे हम माइनिंग्स की बात कर लें या कहीं कर लें, सो लेबर्स के लिए उनके लॉ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि भाई किसको मिनिमम वेजेस देना है, डेली वेजेस देना है, कैसे क्या देना है, सारे लॉ लेबर से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड आपका क्रिमिनोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी यानी होता है अपराध शास्त्र, है ना, कि भैया क्राइम किस किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी मेंटालिटी कैसी होती है उस क्रिमिनल की, किस मेंटालिटी में कोई क्राइम होता है, वो सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आ जाती हैं। फैमिली लॉ, ये तो हर एक फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई कैसे क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करनी है, फैमिली में किसका क्या अधिकार होगा, कौन हेड होगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फैमिली लॉ के अंदर आ जाती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लॉ, चूंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ओपन इकोनॉमी है, विश्व स्तर पर आप आजकल ऑनलाइन अमेजन अमेरिका की कंपनी है ना, और अमेजन से चीज़ें मंगा लेते हैं, तो अमेरिका से चीज़ें यहाँ आ रही हैं एक प्रकार से, वैसे आती नहीं है, आती तो यहीं के यहीं ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन अगेन ग्लोबल इकोनॉमी का क्राइटेरिया यही है और इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड लेवल का लॉ बनाया गया जिसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ कहा जाता है। कैसे क्या आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे, कॉमर्स होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, किसी भी देश के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता है, और हमारे इंडिया के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सो उसके अंतर्गत क्या क्या लॉ है, कैसी सारी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पढ़नी होती है। प्रोफेशनल एथिक्स, एथिक्स समझते हैं ना भैया, नीति, हमारी नीति नैतिकता कैसी होनी चाहिए, कई बार एथिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि भाई एक कोई गरीब व्यक्ति है और उसकी हम मदद करना चाहते हैं, तो एथिकली हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधे हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं अलग अलग आपके सामने जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रोफेशन में, तो उन सारी चीज़ों को देखा जाता है जिसको यहाँ पर आपके इस सब्जेक्ट में प्रोफेशनल एथिक्स के रूप में पढ़ाया जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ, कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, देखो यार जब पार्टनर्स बनते हैं, पार्टनरशिप होती है, LLPs चलती हैं, कंपनीज जब बनाई जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स करे जाते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या कैसे लॉज होते हैं वो सारे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ में पढ़ने होते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अब भैया देखो हमने जैसे लेबर्स की बात करी थी, वो तो काम करने वाले हैं, अब चीज़ें जब बनेंगी तो हम खरीदेंगे और हम खरीदेंगे तो हम कंज्यूमर हैं, है ना, सो कंज्यूमर्स के लिए भी कुछ अधिकार होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उसको पढ़ना होता है जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। अगेन वुमन एंड लॉ, इक्वालिटी की बात चल रही है बिल्कुल, जहां पर महिलाओं को भी बराबरी की बात देने की है, सो वुमन और उनसे रिलेटेड महिलाओं से संबंधित लॉ भी आपको यहां पढ़ने होंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस होता है LLB का। अगेन सेकंड ईयर के सिलेबस में फिर एनवायरमेंटल लॉ, लॉ ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ एविडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कोऑपरेटिव लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन और अल्टरनेटिव्स वगैरह, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, राइट्स जिनको हम कह रहे हैं, तो ये सेकंड ईयर का सिलेबस हो जाता है आपका। और फाइनल थर्ड ईयर में आपको ट्रेनिंग मोट कोर्ट में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, मोट कोर्ट जो होता है उसमें लीगल राइटिंग हो गई, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हाँ ये CRPC बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है,
लैंड लॉ इंक्लूडिंग सीलिंग इन अदर लोकल न्यूज, ट्रेनिंग इन ड्राफ्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, बैंकिंग लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ, कैसे क्या नेगोशिएशन करना है ना, क्या क्या उसके इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कंपनी लॉ, लॉ ऑफ टैक्सेशन, कोऑपरेटिव लॉ, ये थर्ड ईयर के आपके क्या हो जाएगा, सिलेबस हो जाता है। डन, तीन ही साल का होता है एलएलबी, बिल्कुल। हाँ, एलएलबी एडमिशन 2023 की अगर हम बात करें तो हमने बात करी हुई है, कुछ एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स है, कुछ मेरिट बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिल जाता है। जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे क्या होता है कि उनकी खुद की कट ऑफ वो जनरेट करते हैं मेरिट के आधार पर, और यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है एलएलबी में। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम्स जिसकी हमने बात करी थी, बहुत सारे होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, अब तो सीवीटी के बेसिस पे बोल लेने लग गए हैं, ठीक है। फिर कृष्ण देवरिया यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट का है, हाँ, स्लेट जिसको हम बोलते हैं, है ना, लॉ एडमिशन टेस्ट। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का भी हमने देखा था, जी हाँ बिल्कुल, और सारे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट हो गए, आईलेट्स हो गए, एसएल सेट हो गया, इसके अलावा लॉ सेट हो गया, एपी लॉ सेट हो गया, सेट हो गया, स्लेट हो गया, डीयू एलएलबी का एग्ज़ाम हो गया। तो ये मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराई जाती है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और उनके बेसिस आपको कॉलेजेस में कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल जाता है। तो ये तो सारी बात एलएलबी की यहाँ हमने कर ली। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन केस अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हैं फाइव ईयर वाले, तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए, एक मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ पे दे दिया गया है परसेंटेज का, अलग अलग कॉलेज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। और अगर एलएलबी करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका मस्ट है, ग्रेजुएशन होगा, और उसमें भी कुछ कुछ कॉलेजेस जो हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया आपके परसेंटेज का भी लेते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट एज वाइज जो है ऐसी नहीं बताई है लॉ के कोर्स में, अपर लिमिट वगैरह, ठीक है। अब जैसे डी यू एलएलबी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये, हाँ, एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो टोटल 400 मार्क्स का होता है, हाँ, 2888 सीट्स के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, 2 घंटे का टेस्ट होता है, और अलग अलग सेंटर्स हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, नागपुर, बनारस, सब जगह पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। अगेन, अभी सीयूटी के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करने लग गई है, हाँ, एडमिशन करने लग गई है। एलएलबी स्किल क्या क्या चाहिए आपको एलएलबी करने के लिए, सो भैया कमर्शियल अवेयरनेस होनी चाहिए, आई फॉर डिटेल, आँखों को आपको खुला रखना होता है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं हर जगह पे, क्योंकि आपको चीज़ों को रखना है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, कम्युनिकेशन का मतलब है बस कन्वे कर पाए आप अपनी बात को, वो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा आपका एकेडमिक पोटेंशियल देखते हैं, लीगल रिसर्च एनालिसिस की बात हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है हर जगह पे, चूंकि आप एक एडवोकेट बन जाएंगे या फिर किसी एक व्यक्ति विशेष का पक्ष रखने वाले होंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस फील्ड में, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता। अगर कॉन्फिडेंट आप नहीं हैं तो सही बात भी आपकी गलत मानी जाती है, सो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ होल्डिंग पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई बार आपने मूवीज या बाकी चीज़ों में देखा होगा कि कानून की नज़र में सब बराबर है और सच जो है कई बार देर से साबित हो पाता है, तो पेशेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं आप उस पेशेंस को खो ना बैठें और गलत काम ना कर दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल जो है एलएलबी के लिए आपको यहाँ पे बताए गए हैं। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो हमने बेसिक तो बात कर ही ली थी, लेकिन अगेन गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं आप, जी हाँ, लीगल एसोसिएट बन सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, लीगल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट भी होती है, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं या लीगल काउंसलर भी हो सकते हैं। सो ये तमाम पोस्ट जो है ये गवर्नमेंट पोस्ट है, प्राइवेट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट फॉर्म खोल लीजिए अपने हिसाब से, लोगों को डील करिए, काउंसलर भी आप प्राइवेट बन सकते हैं, ऐसी कोई समस्या है नहीं। ये अगेन वहाँ पे सैलरीज की बात करी हुई, ये मिनिमम सैलरीज हैं याद रखिएगा, यहाँ पे ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी तो आप पा ही सकते हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी बात हमने एलएलबी की कर ली, मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट बचे होंगे, लेकिन अगेन कह नहीं सकते, अगर कुछ डाउट आपके हैं तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ मिलेगी लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर। तो अगले वीडियो में हम ऐसी ही डिटेल्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.